पर 33 साल से सिर्फ चाय पी रही ये चाय वाली चाची न भूख लगती है न प्यास। बदन गिरोह से कटा गला, 3 की मौत, हादसों में 117 घायल। होशंगाबाद मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। कोरिया जिले की रहने वाली महिला बिना खाए 33 साल से जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहती है भूख प्यास लगती है और चाय भी सिर्फ शाम को पीती है। डॉक्टर इसे सच मानने को तैयार नहीं है, जानने वाले इन्हें चाय वाली चाची बुलाते हैं। अहमदाबाद गुजरात में उत्तरायण महोत्सव के दौरान पतंग की डोर से गला कट जाने के कारण एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पतंग उड़ाने के दौरान छत से गिरने की विभिन्न घटनाओं में 117 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। होशंगाबाद मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का यह सिलसिला शुरू हो गया है। होशंगाबाद के सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य का काम कर रहे हैं। आज के दिन पुण्य नदियों में नहाने का महत्व बताया गया है। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की ओर से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो देखते रहिए।